पुलवामा के शहीदों को नमन कर रचाई शादी। न बैंड, न डीजे और न दहेज, न दान। ऐसा विवाह इलाके में चर्चा विषय बना हुआ है। दूल्हा व दुल्हन ने गुरुद्वारा साहिब में आनंद कारज कर माथा टेक कर परिजनों का आशीर्वाद लिया। यह अपनी तरह का इलाके में पहला विवाह था। शनिवार साय दूल्हा व दुल्हन ने आनंद कारज से पहले पुलवामा शहीदों की शहादत को लेकर पहले परिजनों सहित 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बाबतपुर के सरदार गुलाब सिंह सिद्धू के पुत्र सर्वजीत सिद्धू की मंगनी सादे तौर पर पंजाब के मोगा जिले के गांव महिला कला के सरदार मंगलवार सिंह की सुपुत्री तकदीर कौर के साथ हुई। इसके बाद दोनों पक्ष रस्मों व दहेज के नाम पर फिजूल खर्च करने पर राजी हो गए। दोनों पक्षों की दलील रही कि विवाह के नाम पर कर्ज लेने की परंपरा बंद करने की पहल होनी चाहिए। यही नहीं, इसके लिए जनवरी साधारण में एक संदेश भी दिया जाए। दोनों पक्षों ने जहां विवाह सादे ढंग से किया, वहीं मिलने का रस्म भी केवल एक दूसरे को सिरोपा भेंट कर निभाई गई। डीजे की जगह गतका पार्टियों ने अपने कर्तव्य से सभी को मनोरंजन किया। वहीं खाने में केवल सादा भोजन परोसा गया और विवाह के नाम पर चमकीले टर्न से भी परहेज किया गया। गुलाब सिंह सिद्धू ने रविवार को बताया कि गुरुवार मर्यादा अनुसार विवाह संपन्न करने की पहल की गई है। उनका कहना है कि अब आम जन को सादगी की ओर लौटना होगा। आज की पढ़ी लिखी बेटियों के विवाह इसी प्रकार होने चाहिए। दहेज के नाम पर बाप पर कर्ज लादना न्याय संगत नहीं है। फिजूल खर्च तुरंत बंद होना चाहिए। दूल्हे राजा सर्वजीत कहते हैं कि अपनी कमाई पर ही विश्वास करना चाहिए। दुल्हन तकदीर कौर कहती हैं कि मेरी ऐसी तकदीर होगी कभी सोचा भी नहीं था। वह ससुराल की पहल को एक उम्दा सोच करार दे रही हैं।